Assalamualaikum viewers, welcome to expert tutor. मैं हूं आपका टीचर लुकमान और AutoCad की इस क्लास में हम इस सर्कल जो बटन है ये जो सर्कल कमांड है इसको यूज़ करेंगे. सेम उस लाइन की तरह सर्कल को हम कमांड से भी टाइप कर सकते हैं. यहाँ जब हम सी आई टाइप करते हैं तो हम सर्कल यहाँ आ जाता है. तो यहाँ से भी हम सर्कल के जो कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं और या यूँ यहाँ सर्कल का जो बटन है यहाँ पर हम क्लिक करके सर्कल ड्रा कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. मैं सर्कल को लेता हूँ. इसके बारे में थोड़ा सा जो टिप्स है वो बताना चाहता हूँ, ये कि आप जब यहाँ जो सर्कल ऑप्शन है यानी सेंटर रेडियस है सेंटर डायमीटर 2.3 और 3 2, यह आप जो भी मतलब इसमें जो भी सर्कल ड्रा करना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट सर्कल यहाँ बन जाता है. फिर आप जब यहाँ सर्कल मैं इसको कैंसिल करता हूँ और सर्कल कमांड इसको ड्रा करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 पॉइंट सर्कल एक्टिवेट हो गया. इस तरह अगर आप मैं यहाँ सेंटर रेडियस ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ फिर इसको कैंसिल करता हूँ और फिर दोबारा यहाँ कर लेता हूँ तो एक्टिवेट हो गया, तो वो बाय डिफॉल्ट सर्कल बन जाता है. आप जब यहाँ कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हो फिर आप बाद में कोई काम करते हो लाइन ड्रा करते हो इस तरह और फिर सर्कल कमांड को एक्टिव करते हो जो आपने जो लास्ट कमांड यूज़ किया होता है सर्कल का तो वही बाय डिफॉल्ट सर्कल सेलेक्ट होता है. तो आपने यहाँ ख्याल रखना पड़ता है कि आपने किस टाइप सर्कल सेलेक्ट करना है. जब आपने लास्ट जो सिलेक्ट किया होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. इसको कैंसिल करता हूँ. हमारे साथ पहला जो ऑप्शन है वो सेंटर और रेडियस, मतलब ये कमांड भी करेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल और आप ये जो ऑप्शन है कि 3.2.10 टेंजेंट रेडियस टेंजेंट रेडियस तो यहाँ पर भी है ये सर्कल ऑप्शन की. यानी आप जब सर्कल कमांड को एक्टिव करते हैं तो आपके साथ ये ऑप्शन यहाँ भी आ रहे होते हैं. आप इसमें से कोई सर्कल ड्रा करना है या बाय डिफॉल्ट जो सेंटर रेडियस है वही ड्रा करना है. तो हम सेंटर रेडियस से स्टार्ट करते हैं. ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पर सर्कल, तो मैं ये सर्कल को फिर कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल. आप कमांड में देख रहे हैं और डायनामिक इनपुट भी यही कह रहे हैं. आप जितने रेडियस का सर्कल ड्रा करना चाहते हो तो आप एरो को हाथ तक जो कर्सर है वहाँ को लाओ या आप सिंपली यहाँ से मैं 20 को टाइप करता हूँ तो हमारे साथ 20 रेडियस का सर्कल आ गया. इस तरह मैं अगर और सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सर्कल ड्रा करूँगा जिसको 30 दूंगा तो 30 रेडियस का सर्कल आ गया. इस तरह मैं फिर लास्ट कमांड एक्टिव करना चाहता हूँ तो आप जस्ट स्पेस दबाएं और लास्ट कमांड एक्टिव किया इस तरह 56 का तो मैं अगर टाइप करूँ तो 56 का सर्कल आ गया. बेसिकली ये जो सेंटर रेडियस है और सेंटर डायमीटर है ये सेम है, लेकिन आपके साथ जब कोई ऐसा सर्कल आप ड्रा करना चाहते हो जिसमें आपको रेडियस देना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जिसमें डायमीटर दें इसको सेलेक्ट करेंगे. सेंटर यही सेंटर रेडियस ये कि आप यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक के इस फासले को रेडियस कहते हैं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डायमीटर कहते हैं. यानी आप जब सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट ले उसके अपोजिट तक जितना डिस्टेंस है उसको डायमीटर और रेडियस सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक उसके सर्कल को रेडियस कहते हैं. चलिए शुरू करते हैं. मैं सेंटर रेडियस को ही ड्रा करता हूँ. पहले तो आपने सेंटर ड्रा करना है और फिर रेडियस बताने कितनी रेडियस का ड्रा करना है तो आप दे दें और इस तरह आप जाएगा के साथ सर्कल आएगी. इस तरह सेंटर डायमीटर का जो है ना आप पहले सेंटर से करें और डायमीटर दे दें, जितना डायमीटर आप देना चाहते हो वही आप यहाँ देख भी रहे हैं कि जो टू लाइन है डायनामिक इनपुट में वहाँ से ये आपको डायमीटर देनी इतनी इतनी कितने फासले पर लेना है वो आपको दिखाई दे रहा है. तो मैं इतना लेता हूँ. इसके अलावा जो ये टू पॉइंट सर्कल है इसमें आपने डायमीटर का एक पॉइंट देना होता है, मतलब यहाँ क्लिक का और फिर डायमीटर का दूसरा पॉइंट आप इस इन डायनामिक इनपुट में दे रहे हैं वो डायमीटर ही बता रहे हैं आपने जितना देना है. मैं आपको और सेंटर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, डायमीटर का एक पॉइंट दे दें सर्कमफेरेंस का और सर्कमफेरेंस का दूसरा पॉइंट दे दें, इस तरह आपके साथ सर्कल आएगा. जो 3 पॉइंट है इस तरह इसमें ये होगा कि अब जब एक पॉइंट मैं सपोज ये लेता हूँ और दूसरा ये लेता हूँ, अब मैं जब तीसरा पॉइंट सर्कल के रेडियस के ट्राई करूँगा तो ये सर्कल वहाँ तक स्टिक रहेगा, आप वहाँ से नहीं लाएगा, छोटा भी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब इससे ज़्यादा छोटा नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट मैंने लिए कि ऑलरेडी सर्कल 2 पॉइंट ही हो गया और डायमीटर तीसरा देना है, तीसरा बड़ा कर सकते हो लेकिन उससे छोटा नहीं कर सकते. तो ये 3 पॉइंट सर्कल है. अब मैं दो और आपको डेमो को लेकर दिखाता हूँ. एक पॉइंट मैंने ये लिया और दूसरा मैंने आप इस जो अगर पॉइंट्स हैं उसको नोट आप इस पॉइंट्स को नोट्स रखें कि
डेमो के लिए आपको एक, मैं डेमो के लिए आपको फिर से दिखाता हूँ। मैंने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा ये लिया, आप पॉइंट्स को नोट करिए। अब मैं जब इसको तीसरा पॉइंट बड़ा तो कर सक लेंगे, छोटा उस पॉइंट से नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं एक पॉइंट वो बड़ा ऊपर जो है और दूसरा पॉइंट जो नीचे, इससे सर्कल और नीचे स्मॉल नहीं हो रही, तो ये थ्री पॉइंट सर्कल था। अब जी ये है टेंजेंट, टेंजेंट इस रेडियस, तो ये टू पॉइंट को टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टू पॉइंट को जो टच करते हैं उसको टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल कहते हैं। मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ सर, एक लाइन यहाँ, लाइन को फिर कमांड की टू करते, एक लाइन यहाँ लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ। अब मैं टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस को सेलेक्ट करता हूँ, तो एक पॉइंट में यहाँ पर मैं शायद सेगमेंट को सेलेक्ट टच करें और दूसरा इस लाइन सेगमेंट को टच करें और रेडियस बता रहे, तो रेडियस में 50 ही देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने स्माल दे दिया। जब आप स्माल रेडियस देते हो तो सर्कल खाम खा आपने जो सेगमेंट दिए होते हैं कि इस पर टच करो, इस पर टच करो, तो उसको लाजमी टच करेंगे, करीब ही क्यों ना हो। एक सेगमेंट ये से हो गया, एक सेगमेंट आप जिसको पैसे रेडियस देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आज आ गया। फिर मैं फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट, इसको आप देख रहे हैं आपसे आ रहा है। तो इस तरह मैं इसको टेंजेंट करता हूँ, तो एक एक्स पॉइंट ही लिया, एक पॉइंट लिया और उसको 55 तक, तो इस तरह आपके साथ आता है। ये जो टेंजेंट, टेंजेंट है, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब थ्री पॉइंट पर सर्कल टच करते हैं। मैं फुल लाइन लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो ये सर्कल को थ्री पॉइंट पर टच करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। अब मैं एक सेगमेंट इसको सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा इसको, तीसरा इसको, तो खुद कैलकुलेशन करता है रेडियस का, सर्कल की डिस्का, और उस सर्कल को तीन पॉइंट्स पे टच करता है। तो ये था सर्कल के बारे में। एक तो सर्कल रेडियस, जब अपने सेंटर आपके साथ रेडियस स्पेसिफाई, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, डायमीटर स्पेसिफाई है, तो ये आपने टू पॉइंट लेने, मतलब एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर है, उसमें आप सर्कल ड्रा करना है तो आप ये यूज़ करें। थ्री पॉइंट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, इसका टू जगह पर टच करने तो यही और थ्री जगह पर करने तो यही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।